प्रियंका ने अपने बर्थडे 18 जुलाई पर अमेरिकी सिंगर और एक्टर निक जोनस से सगाई की। अभी तक यही बताया जा रहा था कि ये दोनों अक्टूबर में शादी करेंगे, लेकिन अब अमेरिकी मीडिया में खबरें आ रही है कि दोनों निक के बर्थडे यानी 16 सितंबर को ही शादी कर सकते हैं। इस बीच प्रियंका की क्लोज फ्रेंड और इंग्लैंड की शाही बहू मेगन मर्केल ने प्रियंका और निक को शुभकामना दी है कि जल्द ही वे अमेजिंग सुंदर और टैलेंटेड बच्चे पैदा करें। इस वजह से लिया सितंबर में शादी का फैसला। रिपोर्ट्स के मुताबिक 16 सितंबर को निक जोनास का 26वां बर्थडे है और प्रियंका निक से शादी करके इस दिन को और भी ज्यादा यादगार बनाना चाहती हैं। ऐसा भी सुनने में आया है कि शादी के लिए प्रियंका ने शादी की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। हालांकि शादी की डेट को लेकर अब तक प्रियंका निक या इनकी फैमिली की तरफ से कुछ नहीं कहा गया है। प्रियंका की बुआ कामिनी चोपड़ा हांडा ने दैनिक भास्कर काम से बात करते हुए ये जरूर कहा था कि जल्द ही शादी की तारीख बताएंगे। प्रियंका की ब्राइड समेट बनना चाहती हैं मेगन। प्रियंका चोपड़ा और सिंगर निक की शादी को लेकर मेगन मर्केल भी काफी एक्साइटेड हैं। मेगन ने बताया कि प्रियंका अमेजिंग पर्सन है और उनके लिए निक बेस्ट है। उन्हें लगता है कि ये हॉट कपल शादी के बाद और भी शानदार नजर आएगा। बता दें कि मेगन प्रियंका की क्लोज फ्रेंड हैं। बता दें कि मेगन मर्केल की शादी में प्रियंका उन चुनिंदा लोगों में से जिन्हें बुलाया गया था। ऐसी खबरें भी आई थी कि प्रियंका निक ने प्रिंस हैरी और मेगन मर्केल से पिछले सप्ताह उनके घर पर मुलाकात की थी, जहां प्रियंका ने निक का परिचय दोनों से करवाया। वेबसाइट usmagazine.com के मुताबिक प्रियंका और निक ने इस शाही जोड़े के घर पर कुछ समय बिताया था। उसी सप्ताह निक ने प्रियंका को प्रपोज किया था। प्रियंका के बर्थडे पर हुई सगाई। अंग्रेजी वेबसाइट पीपल काम ने एक आर्टिकल में लिखा था कि प्रियंका ने अपने 36वें बर्थडे पर निक के साथ सगाई की थी। वहीं उसने इनसाइडर के हवाले से ये लिखा था कि जोनास ने न्यूयॉर्क सिटी के टिफनी स्टोर से एंगेजमेंट रिंग भी खरीदी थी। बता दें कि प्रियंका ने 18 जुलाई अपना जन्मदिन लंदन में निक के साथ सेलिब्रेट किया था। शादी के लिए छोड़ चुकी सलमान की फिल्म। प्रियंका चोपड़ा ने निक से शादी के चलते सलमान खान की फिल्म भारत को बीच में ही छोड़ दिया है। फिल्म के डायरेक्टर अली अब्बास जफर ने ट्वीट किया था, हाँ प्रियंका चोपड़ा अब भारत का हिस्सा नहीं है। इसका रीजन बहुत स्पेशल है। उसने हमें सही समय पर अपने फैसले के बारे में बताया और हम सब उसके लिए बहुत खुश हैं। भारत की पूरी टीम की तरफ से उन्हें बहुत शुभकामनाएं। इस ट्वीट में मजेदार बात ये थी कि अली ने निक का नाम लिए बिना ही उनकी ओर इशारा कर दिया। कौन है निक जोनस? निक जोनस अमेरिकी सिंगर राइटर होने के साथ एक्टर भी हैं। उन्होंने 7 साल की उम्र में ही एक्टिंग की शुरू कर दी थी। निक का एक बैंड भी था जिसका नाम द जोनस ब्रदर्स है। 2014 में ये बैंड बिखर गया। 2006 में जब उनका पहला एल्बम इट्स अबाउट टाइम आया था, उस वक्त वे सिर्फ 13 साल के थे। 2015 में केयरफुल व्हाट यू विश फॉर मूवी में उन्होंने काम किया था। वहीं 2019 में आने वाली एक सीफी मूवी में भी नजर आएंगे। प्रियंका से 11 साल छोटे हैं निक। प्रियंका चोपड़ा जहां 36 साल की हो चुकी हैं, वहीं निक जोनस अभी 25 के हैं। 16 सितंबर को वे 26 साल के हो जाएंगे। दोनों की पहली मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड के जरिए टीवी शो क्वांटिको के दौरान हुई थी। डेटिंग की खबरों के बाद से दोनों की कई फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी हैं। इनमें प्रियंका और निक साथ में क्वालिटी टाइम बिताते नजर आए हैं। बीते महीने 9 जून को प्रियंका निक के कजिन भाई की शादी के लिए न्यू जर्सी पहुंची थी। निक के भाई की शादी में दोनों एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले दिखाई दिए थे। इसमें प्रियंका ने येलो गोल्डन कलर का गाउन पहना था, तो वहीं निक सूट में दिखाई दिए थे। इसके बाद प्रियंका निक लेकर इंडिया आई और अपनी मां से मिलवाया। दोनों एक साथ छुट्टी मनाने गोवा भी गए थे।